दूसरे प्रदेशों में रोजगार तलाशने आए मजदूर वर्ग के लोग अपने अपने घरों की तरफ लौटने लगे हैं। सड़क पर बड़ी संख्या में इन लोगों को पैदल और साइकिल से चलते देखा जा सकता है, लेकिन इन लोगों को जिलों की सीमा पर रोककर अस्थायी सेंटर में रखा जा रहा है। अकेले सूरजपुर जिले में ही 31 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 630 लोगों को रखा गया है जो दूसरे प्रदेशों से आए हुए थे, और जबकि सूरजपुर में 442 लोग भी दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए हैं, लेकिन सभी अपने घरों की तरफ लौटना चाह रहे हैं। बहरहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि क्वारंटाइन सेंटरों में पहुंचे ऐसे लोग कब तक अपने घर वापस लौट पाते हैं। लोग साइकिल और साइकिल 17 आदमी चले, रास्ते में लॉकडाउन के चलते हम लोग के कहें कि सुविधा आप लोग के खाने पीने का दे रहे हैं, लॉकडाउन में अभी नहीं जाना, रुक नहीं। हम लोग के घर पर बहुत रो रहे हैं सर, हम लोग घर आ पाने जाना चाह रहे हैं, लॉकडाउन के चलते नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ जो है लिटोरी चौकी पर जो है तो रोक लिए साहब, बेल खरखा से निकले थे साहब आजमगढ़ जाने की सोच रहे, तो उनके जिला प्रशासन से चर्चा करके उनको अवगत कराया जा रहा है कि आपके जिले के इतने लोग हमारे जिले में हैं, तो उनके रुकने की और खाने की मतलब भोजन की पूरी व्यवस्था कर दी गई है ताकि उनको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। उनका नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया जा रहा है और उनको अभी वर्तमान में क्योंकि लॉकडाउन है तो 14 अप्रैल तक उनको नहीं भेजा जाएगा, उसके बाद जो है जैसे निर्देश आते हैं उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। खबर ग्वालियर से, जहाँ ग्वालियर में मुश्किल घड़ी में भी कुछ लोग